श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय सायराम। नमस्ते फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले एक एपिसोड लेके आया था, उसका नाम था सैंपल डेट एंड बीट डेथ। आप सभी लोगों ने देखा होगा, लेकिन उसमें कुछ अलग बात भी है। जैसे कि सैंपल डेट, अब ये सैंपल डेट क्या होता है, जब भी कोई रिकॉर्डिस्ट रिकॉर्डिंग करने जाते हैं तो उसके सामने प्रोजेक्ट तैयार करने से पहले जो पॉपअप विंडो आता है वो है सैंपल डेट, मतलब इस प्रोजेक्ट का सैंपल डेट क्या रहेगा। क्योंकि आपको पता है, एक बार प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते, सैंपल डेट को आप चेंज नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आपको सैंपल डेट तय करना पड़ेगा। अब ये सैंपल डेट क्या है, यूजुअली जब कोई आदमी सुनेगा तो उनके सामने 44.1 किलोहर्ट्ज़ सैंपल डेट ये बोलिए, या 48 किलोहर्ट्ज़ सैंपल डेट बोलिए, या 96 किलोहर्ट्ज़ सैंपल डेट बोलिए, कोई भी सैंपल डेट, इन तीनों का सैंपल डेट आपको लगभग एक ही सुनाई देगा। लेकिन जिसका कान है, मतलब हम जैसा रिकॉर्डिस्ट जो है, आप जैसा रिकॉर्डिस्ट जो है, आप लोगों का कान में लेकिन ये साउंड का डिफर आपको पता हो जाएगा। क्योंकि 44.1 किलोहर्ट्ज़ सैंपल डेट जो होता है उसका साउंड कैसा है, 48 किलोहर्ट्ज़ सैंपल डेट जो होता है उसका साउंड कैसा है, उससे आगे भी है, 192 किलोहर्ट्ज़ तक अभी आप जा सकते हो। तो ये जो हम इसका वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, कभी 44.1, कभी 48 किलोहर्ट्ज़, कभी 96 किलोहर्ट्ज़, कभी 192 किलोहर्ट्ज़ बोलते हैं, तो किस लिए, किस काम का आता है, सिर्फ इसी चीज़ को दिखाने के लिए आज ये वाला एपिसोड लेके आए हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी आपके सामने हम लाएंगे, आप उसको देखते रहिए। इसके बाद आपको ही डिसीजन लेना पड़ेगा कौन सा सैंपल रेट आपके लिए ठीक ठाक रहेगा या आपका प्रोजेक्ट के लिए ठीक ठाक रहेगा। तो चलिए दोस्तों, सैंपल रेट के बारे में डिटेल्स जानते हैं। सैंपल रेट लेके एक क्विक व्यू देने के लिए हम बात करेंगे, जिसे कहते हैं सैंपल रेट और FS। आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, रिलेशनशिप बिटवीन द सैंपल रेट एंड द फ्रीक्वेंसी कंटेंट ऑफ एन ऑडियो रिकॉर्डिंग। सैंपल रेट का डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले चलिए हर तरह का सैंपल रेट में रिकॉर्ड किया हुआ कुछ सैंपल्स हम लोग सुन लेते हैं। आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हाई फ्रीक्वेंसी कंटेंट जो है उसमें थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन दीजिए। लोअर सैंपल रेट मतलब लेस हाई फ्रीक्वेंसीज, और हायर सैंपल रेट मतलब थोड़ा सा हाई अमाउंट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसीज। आपके सामने मैं अभी प्लेबैक करने जा रहा हूँ 44.1 किलोहर्ट्ज़ वाला एक साउंड। तो आपने सुना होगा ये 44.1 किलोहर्ट्ज़ वाला साउंड। अभी उससे आधा मतलब 22.05 किलोहर्ट्ज़ जो हमने सैंपल रेट में सेम चीज़ को प्लेबैक किया था और सेम चीज़ को रिकॉर्ड किया था, 22.05, ये है 22.05 किलोहर्ट्ज़। सुनिए इसका हालत। आप इस जगह को चेक कीजिए, देखिए एक्सट्रीम हाई जो है थोड़ा सा डाउन हो गया, हाई रिस्पॉन्स नहीं है। ये वाला सेक्शन लो, डल हो ये था 22.05 किलोहर्ट्ज़ का। अभी मैं आपको सुना रहा हूँ उससे भी आधा मतलब 11.025 किलोहर्ट्ज़ का, सुन के देखिए एक बार। अच्छे से गौर कीजिए, देखिए
इसमें उससे भी कम हाइज मिल रहा है आपको, हाइज का रिव्यूज कम मिल रहा है और इसका जो लो एंड है इतना टाइट नहीं है, ज्यादा डीले सेम चीज 44.1 किलोहर्ट्ज़ में रिकॉर्ड किए थे तो उसका साउंड ऐसा कुछ आया था। देखिए कितने डिटेल्स है। तो ऐसा क्यों हुआ, चलिए पता करते हैं। कोई भी शब्दों का 100% रिकॉर्ड एंड रिप्रोड्यूस करने के लिए आपका सैंपल रेट कम से कम प्रति सेकंड में दोगुना होना चाहिए। एक 1 किलोहर्ट्ज़ ऑडियो सिग्नल एक साइकिल पूरा करने के लिए 1000 मिलीसेकंड टाइम लेता है, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए 1 मिलीसेकंड का सैंपल रेट कम से कम हमको दोगुना चाहिए। हम लोग एक म्यूजिक में जो फ्रीक्वेंसी सुनते हैं वो है 20 हर्ट्ज़ से लेके 20 किलोहर्ट्ज़ तक, तो ये फ्रीक्वेंसी हमको सुनना चाहिए। तो यहाँ पे हमको कम से कम सैंपल रेट चाहिए 40,000 हर्ट्ज़, लेकिन टेक्निकल कारण के हिसाब से हम लोग 44.1 किलोहर्ट्ज़ सैंपल रेट लेते हैं। मैक्सिमम म्यूजिकल एप्लायंस जो है वो 44.1 किलोहर्ट्ज़ को सपोर्ट करते हैं। आपका जो साउंड कार्ड है या ऑडियो इंटरफेस है उसमें बहुत तरह का सैंपल रेट आपको दिखाई देगा आपको, लेकिन आपका ऑडियो इंटरफेस के हिसाब से सैंपल रेट चुनना पड़ेगा। अगर उसका हायर सैंपल रेट फैसिलिटी है तो आप उसको ऑब्वियसली सिलेक्ट कर सकते हैं और आपका प्रोडक्शन ऑब्वियसली अच्छे होंगे। आप सभी लोगों से हमारा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, समर्थ ऑडियो की तरफ से उन लोगों का कोई कमेंट्स का आंसर दिया नहीं जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देन आप लोग कमेंट्स कीजिए ताकि आपका कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाए, और कोई भी प्रॉब्लम हो रिकॉर्डिंग के बारे में तो हमसे बताएं, हम कोशिश करेंगे आपका जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का। लेकिन उससे पहले आपको ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब योर चैनल, जितना हो सके आप हमारा वीडियोस को शेयर करते रहिए ताकि आगे के लिए और कोई अच्छा वीडियो बनाने के लिए हम लोगों को इंस्पिरेशन मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगला वीक में। नमस्कार।